हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि शनील के कपड़े में सलवार की कटिंग कैसे करते हैं। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैम आप शनील के कपड़े में सलवार की कटिंग करके बताइए कैसे इसकी कटिंग होती है। तो ये देखिए, ये फैब्रिक आता है मार्केट में, शनील का फैब्रिक है और इसमें कपड़ा भी काफ़ी कम होता है, ठीक है, मतलब 3 मीटर से भी कम ही होता है कपड़ा। तो इसमें वैसे तो सलवार बनती नहीं है, सिर्फ सिंपल प्लाजो ही बनता है या पैंट बनती है। तो आज मैं आपको इसमें मतलब सलवार की कटिंग बताऊंगी कैसे करनी है। तो ये देखिए, टोटल कपड़ा मेरा इतना है, ठीक है। कई कई सूटों में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा भी होता है और कई सूटों में कम भी होता है। और इसकी जो लेंथ है वो मतलब टोटल लेंथ है 38 इंच की, ठीक है। जो कढ़ाई दी हुई है मतलब 38 इंच की इसकी लेंथ है, ठीक है। तो कई सूटों में ज़्यादा भी होती है, 42 इंच की भी होती है, वो भी मैंने सूट बनाया हुआ है, 42 इंच लेंथ तक का भी बनाया है, ठीक है। तो इसमें 38 इंच लेंथ दी हुई है। तो इसमें हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो शर्ट की मैंने मार्किंग की हुई है, सिर्फ मैंने आपको सलवार का समझाना मतलब कटिंग बताऊंगी। तो शर्ट की कटिंग आपको मैंने पहले भी सिखाई हुई है, ठीक है। तो मेन हमारा है कि हम सलवार की कटिंग कैसे करेंगे। तो आपने कुर्ती यहाँ से निकाल ली, ठीक है, ये जो कढ़ाई वाला हिस्सा है यहाँ से आपने कुर्ती निकाल लेनी है, ठीक है। और कपड़े को आपने सीधा कर लेना है। ये देखिए कितनी कान दी हुई है, कहीं से भी ये कान निकल आती है, साइडों से निकल आती है या फिर लंबाई की तरफ से निकल आती है। तो ये देखिए लंबाई की तरफ से ये कान निकली हुई है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये कट करने के बाद इसकी जो लेंथ है 38 इंच तैयार होगी, ठीक है। और जो बैक साइड निकालेंगे हम, और ये देखिए कपड़े को हमने ऐसे ही नीचे की तरफ कर लेना है। और ये देखिए घेरा हमने इस तरीके से इसको रखना है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करनी है। जैसे हमने घेरा नीचे की साइड में किया था उसी तरीके से हमने इसको फिर से ऐसे रखना है जैसे घेरा हमने नीचे की साइड से निकाला था। और जो फ्रंट साइड है वो भी हम ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे, और बैक साइड को भी इसी तरीके से कट कर लेना है। मतलब इसकी जो चेंज है डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, क्योंकि कलर में इसका फ़र्क आ जाता है शनील का। तो बैक साइड मैंने मतलब फ्रंट साइड से 2 इंच ज़्यादा ही रखी है, मतलब नीचे वाली साइड से, क्योंकि ये हमारा जो घेरा है वो फोल्ड होगा। और 1 इंच आधा इंच मैंने ऊपर शोल्डर वाली साइड से ज़्यादा रखा है, क्योंकि गला हमारा बैक साइड की तरफ ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग कर ली है। अब हमारी ये देखिए बाजू, बाजू भी हमने ऊपर ऐसे ही उठा लेनी है। तो ये हमारी बाजू के लिए कपड़ा बचा है, और इसकी इसको मैंने सीधा कर देना है बाजू को इस तरीके से। ये पूरा हम कपड़ा निकाल लेंगे सीधा, और जो साइड में हमारा कपड़ा बचा है वो हमारी या तो हम सलवार बना लें या हम प्लाजो बना लें, उसमें कुछ भी बना सकते हैं। तो ये बाजू के लिए हमारी जो लेंथ बची है ये 20 इंच बची है, ठीक है, क्योंकि लेंथ हमारी कमीज़ की कम थी इसलिए थोड़ी सी बाजू की ज़्यादा लेंथ बच गई है, नहीं तो इतनी नहीं बचती है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में कट करूँगी, सबसे पहले हम सलवार आपको बता दें कैसे आपने कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा मेरे पास बचा है सलवार के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको सीधा करना है, जो साइडों में से आड़ा तिरछा कट हुआ था उसको हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसे हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है, और इसको भी हमने इसका भी जो ध्यान रखना है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी सलवार की नीचे की तरफ आई है, जैसे हम हाथ लगा के देखते हैं कि प्लेन हमारी साइड जो नीचे की तरफ है, तो सलवार की भी प्लेन साइड नीचे की तरफ ही आनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका अच्छे से सूट बन पाएगा और कलर में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उल्टा सीधा काट लेते हैं तो आपकी जो शेड है शनील के कपड़े में वो अलग दिखने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस सूट में सारा फ्रंट और बैक दोनों कट करके बाजू निकाल के सिर्फ इतना कपड़ा बचता है, और इतने कपड़े में आपने सलवार, आप चाहते हैं कि सलवार की कटिंग हो तो सलवार की कटिंग हो तो जाएगी, लेकिन इतनी खुली डुली सलवार नहीं बनेगी जितनी हम बाकी कपड़ों में कट करके बनाते हैं। तो इसकी सिर्फ स्ट्रेट सलवार बनेगी, प्लाजो टाइप बनेगी, ठीक है। तो अगर आप वैसी पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, वैसे वो भी कंफर्टेबल होती है, इतनी बुरी नहीं होती है, तो वो आप पहन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को बराबर कर लिया, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जैसे आपका कपड़ा होता है ना ज़्यादा घेरे वाला, जैसे 1.5 इंच उसका घेरा, 1.5 मीटर घेरा है और 1.5 मीटर ही उसका फैब्रिक है सलवार के लिए, तो उसमें आपकी सलवार बहुत अच्छी बन जाती है। वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है, सर्च करके देखना तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें काफ़ी खुली डुली सलवार बनी है शनील के कपड़े में।
तो इस तरीके से देखिए टोटल कपड़ा मेरा 4 फोल्ड करके 42 इंच बचा है। ठीक है, 4 फोल्ड किया हुआ है इस कपड़े को मैंने। ये देखिए अब इसकी शेड है ना, एक साइड नीचे की तरफ जा रही है और जैसे मैंने फोल्ड किया है, फोल्ड करने से इसका शेड बदल गया। अब सबसे पहले हमने बीच सेंटर से इसको कट कर लेना है। ठीक है, कट करने के बाद हमने कपड़े को पलटा देना है। इसकी जो शेड है, प्लेन वाली साइड है, हमने नीचे की तरफ करनी है। तो कपड़े को मैंने कट कर दिया है। ठीक है, कट करने के बाद ये जो प्लेन साइड है, जैसे मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, प्लेन साइड को हमने जो वो वाला ऊपर वाला कपड़ा कट करा था ना, तो उसको भी हम इस तरीके से सेट करेंगे। प्लेन वाली साइड हमारी नीचे ही होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड हमने बराबर कट कर ली है। ठीक है, तो आपने ये नहीं है कि बिल्कुल कट कर देना है, कहीं से भी कट कर देना है। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट कर लें, हिसाब लगा लें कपड़े का कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकल रही है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि इस कपड़े में आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कपड़े मैंने सेट करके रख लिए हैं, मतलब 4 फोल्ड हैं, एक हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है बाहर वाली साइड का और जो मेरी तरफ हिस्सा है वो खुला हुआ हिस्सा है। ठीक है, और ये उभरी हुई साइड मैंने राइट हैंड की तरफ करी है और जो प्लेन वाली साइड है, नीचे वाली जो बॉटम वाली साइड है, वो मैं लेफ्ट हैंड की तरफ करी हुई है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो सिंपल सलवार की कटिंग होगी इसमें, ना कोई बेल्ट पड़ेगी, ना कोई कली निकलेगी। ठीक है, और कोई जोड़ वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो सलवार की लेंथ है वो है 37 इंच की। ठीक है, ये देखिए 37 इंच की लेंथ है और ऊपर से मैंने 2.5 इंच छोड़ना है, या तो इलास्टिक डालनी या तो आप नाड़ा डाल सकते हैं। ठीक है, 2.5 इंच मैंने छोड़ा और 2.5 इंच छोड़ के घेरा मैंने लिया है 13 इंच का, मतलब 26 इंच का हमारा घेरा है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 25 इंच घेरा हमारा तैयार हो जाएगा। और जो आसन लिया है वो भी मैंने 13 इंच का ही लिया है। अब इस तरीके से, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ पाया है, और आसन भी मैंने 13 इंच का लिया है और इस तरीके से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ लिया है। और अब घुमा के देखेंगे तो हमारा जो आसन है 14.5 इंच तैयार आ जाएगा। और जहाँ से मैंने 2.5 इंच का कट मार्क लगाया था इलास्टिक छोड़ के, वहाँ से हमने लेंथ लेनी है 37 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से आप 37 इंच पे निशान लगा लें, बराबर कर लें, और जो बाकी बचा कपड़ा है वो हमारा पोंछे के काम में आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नहीं लगाना पड़ेगा पोंछे के लिए। ठीक है, तो ये मैंने पोंछा रखा है 6.5 इंच, तो ये देखिए 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, 1.5 इंच का हमारा जो पोंछा लगेगा इसमें, और एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। 6.5 इंच मैंने पोंछा रखा, 6-7 कुछ भी रख लें आप, जितना रखना चाहते हैं उसमें 2 इंच ऐड कर दें। और उसके बाद आपने इसको आसन के साथ ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब ये हमारी हो गई मार्किंग सलवार की। ठीक है, इस तरीके से आपकी सलवार बनेगी, इससे ज़्यादा खुली नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा खुली बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कपड़ा लें जो बिना कढ़ाई के होता है और उसका जो वर होता है 1.5 मीटर हो, मतलब 60 इंच हो या 64 इंच हो, इस तरीके से। वो भी मैंने बनाई हुई है वीडियो, आप मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी खुली सलवार बन जाती है। उसमें मैंने स्टॉल भी निकाला है और शर्ट भी निकाली है और पूरी सलवार भी बनी है, बेल्ट भी उसी कपड़े में बनी है, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर इस सूट में आप बनाना चाहते हैं तो ऐसी ही आपकी सलवार बनेगी, या फिर आप प्लाजो बना लें। ठीक है, या फिर आप इसमें अगर सलवार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है हमारे पास, ना बेल्ट के लिए है ना ही कुंदे बनाने के लिए है। ठीक है, जोड़ लगाने के लिए नहीं है। और इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब इसका जो थाई है वो हमारा तैयार होगा 14 इंच का, मतलब 28 इंच थाई तैयार होगा, और काफ़ी आराम से लेडी पहन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सलवार की कटिंग हो जाती है। ठीक है, अब हमने इसमें, ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई। अब जो साइड में कपड़ा बचा था उसमें हमने बाजू मार्क करनी थी, तो ये बाजू मैंने फोल्ड कर ली है। मोरी मैंने रखी है 5.5 इंच की, आर्म होल रखा है 9 इंच का, और जो लेंथ मैंने पूरी ली है अब इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कटिंग कर दी है मैंने। तिरछी कटिंग क्यों नहीं करी है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा ना जो साइड में बचा है ये नेक वगैरह में काम आ जाएगा,
और ये जो कटिंग मैंने साइड में नहीं करी है इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन डालूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें कटिंग नहीं करनी है। अगर आपने डिज़ाइन नहीं डालना है तो आप इसको कट कर दें। तो इस तरीके से ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई और ये बाजू की कटिंग हो गई और ये कमीज़ की कटिंग हो गई। तो इस तरीके से आप इतने ये वाले कपड़े में ऐसे सलवार की कटिंग कर सकते हैं। और इसकी सलवार की जो स्टिचिंग है उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।